पूर्वी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क किनारे खुले में मलबा फेंका जाता है, जिसे धूल उड़ती है और वायु प्रदूषित होती है। धूल से पैदल चलने वालों के साथ साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वी निगम मलबा डालने वाले स्थानों पर ट्रॉली रखवा रहा है, जिस पर अपील लिखी हुई है कि मलबा ट्रॉली में डाले। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि यमुना पार में 70 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां लोग सड़क किनारे मलबा डालते हैं। हमने निगम के 70 स्थान चिन्हित किए हैं जहां मलबा लिखा हुआ कि आप मकान का मलबा यहां डाल सकते हैं। वहां से डेली ट्रक आते हैं और मलबे को उठाकर सीएनडी प्लांट में पहुंचाते हैं। आपको कोई भी मलबा नया नहीं दिखाई, पुराना नहीं दिखाई देगा कि मलबा पड़ा हुआ है। मलबा उठता है, नया मलबा डलता है, फिर उठता है, ये लगातार काम चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है 15-15-20 दिन एक महीने तक मलबा पड़ा रहा है। वो मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब खबर लगी तब जाके उस पर संज्ञान लिया गया और हटाया गया। आपने जैसे कहा, मैंने बताया ना, डेली मलबा उठता है, हो सकता है मलबा उठ गया और फिर आ गया हो, क्यों मकान डेली बनते हैं। जब कूड़ा डेली पड़ता है, ऐसे मलबा डेली पड़ता है। मलबा तो आपको दिखाई देगा, आज हमने मलबा भी उठा लिया, उसके बाद जब उसको दूसरा मकान बनेगा वो डाल के जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा प्रावधान भी है कि ऐसे जो मलबा डालते हैं उस पर चलान उलान का कोई प्रावधान रखा है आपने? हमने खुद चिन्हित किए हैं स्थान, ये हमने खुद चिन्हित किए हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोग जगह मलबा डालते हैं, बहुत परेशानी होती थी। ये 70 स्थान ऐसे हैं जहां मलबा डाल सकते हैं, ऑथराइज है, उसके लिए कोई चलान की व्यवस्था नहीं, हम करने वाले। ठीक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।